Good morning, everyone. Continuing with our next point, advantages of ledger. Ledger important book है business की. तो क्या-क्या इसके advantages हैं? सबसे पहला है complete knowledge of business. Ledger से एक item से related सारी transactions एक ही place पर लिखी जाती हैं. तो सारी important information related to business आप easily obtain कर सकते हैं. Then helpful in preparation of trial balance. Ledger से ही आप trial balance को prepare करते हैं और जो trial balance है वो check करता है आपकी mathematical accuracy. Then helpful in preparation of final accounts. Ledgers होंगे, ledger से आप trial balance बनाते हैं और trial balance से ही फिर आप आगे अपने final accounts बनाते हैं. तो ledger help करता है आपको in preparing final accounts. Then next is overcoming the limitations of journal. जो main limitation है journal की, that is complete information related to any transaction आप obtain नहीं कर सकते हो. आपको पूरा जो journal है उसे analyze करना पड़ेगा. लेकिन ledger से complete information आपको किसी भी item के बारे में easily obtain हो जाती है, क्योंकि एक place पर उस item से related सारी transactions आप एक ही जगह लिखते हैं classified form में. Then next आता है हमारा knowledge of financial position. जो financial position है business की, आप easily ascertain कर सकते हैं ledger से. तो ये थे हमारे advantages ledger के. Then next जो हमारा topic है, that is difference between journal and ledger. तो सबसे पहले हम देखते हैं the basis of difference जो हमारा है, that is book. Journal जो है हमारी, वो preliminary book of business है, जबकि जो ledger है वो main book of accounts है. Process की बात करें, name क्या है process का, तो जब आप जो प्रोसेस है अकाउंटिंग का, जब जर्नल में जो फॉलो करता है, हम उसे रिकॉर्डिंग कह सकते हैं या हम उसे जर्नलाइजिंग कह सकते हैं. जो प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का, जब आप अकाउंटिंग में कर रहे हैं तो उसे लेजर कह सकते हैं या आप उसे पोस्टिंग कह सकते हैं. देन नरेशन की बात करें, तो जर्नल एंट्री जब आप लिख रहे हैं तो उसके साथ नरेशन लिखना जरूरी होता है, उसमें नरेशन लिखा जाता है. जबकि जो आपका लेजर है वहां पे नरेशन नहीं लिखा जाता है. बेसिस की बात करें, तो जर्नल लेजर के बेसिस पे प्रिपेयर नहीं होता है, बल्कि लेजर जर्नल के बेसिस पर प्रिपेयर होता है. फाइनल अकाउंट की बात करें, तो आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ जर्नल, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लेजर आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. रिकॉर्डिंग की बात करें, तो जो जर्नल है वो डेट वाइज रिकॉर्डिंग करता है, जबकि जो आपका लेजर है वो अकाउंट वाइज रिकॉर्डिंग करता है. तो इसके साथ जो आज का हमारा टॉपिक है लेजर का, वो कंप्लीट होता है. अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक ट्रायल बैलेंस का. थैंक यू सो मच.